तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने अब तक ब्लैक विडो मूवी देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया फिल्म है। एमसीयू की इस 24th मूवी में नताशा रोमानोफ की ओरिजिन दिखाई गई है और यहाँ हमें सिविल वॉर और इन्फिनिटी वॉर के बीच के इम्पोर्टेंट इवेंट्स के बारे में भी पता चला। ये फिल्म काफी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी, इसीलिए आज मैं ब्लैक विडो मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा। तो आइए देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले रशिया में, जहां रेड रूम नाम की एक एकेडमी थी जिसमें छोटी लड़कियों को ट्रेन करके जासूस और हत्यारा बनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता है ब्लैक विडो। इस एकेडमी का लीडर था जनरल ड्रेकोव, एक ऐसा आदमी जिसे पूरी दुनिया पर राज करना था। ड्रेकोव अपनी एकेडमी के लिए कई सारी छोटी लड़कियों को किडनैप करता था या उन्हें खरीद लेता था, और फिर वो कमजोर लड़कियों को मार के सिर्फ ताकतवर लड़कियों को ही रेड रूम में भर्ती करता था। रेड रूम, जिसे ब्लैक विडो प्रोग्राम भी कहा जाता है, वहाँ लड़कियों को इतनी खतरनाक ट्रेनिंग दी जाती थी कि लगभग 20 लड़कियों में से सिर्फ एक ही लड़की उसमें टिक पाती थी, जो कि बन जाती थी ब्लैक विडो। फिर ड्रेकोव उन ब्लैक विडोज को दूसरे देशों में जासूसी करने भेजता था और उनकी मदद से वो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करता था। 1988 में ड्रेकोव को नताशा रोमानोफ नाम की एक लड़की के बारे में पता चला, जो कि उस वक्त लगभग 4 साल की थी। नताशा की डीएनए रिपोर्ट से ड्रेकोव को ये समझ में आ गया था कि वो लड़की बहुत हिम्मत वाली और ताकतवर है, इसलिए ड्रेकोव ने उसके माँ बाप को पैसे देकर नताशा को उनसे खरीद लिया। फिर नताशा को 4 साल तक रेड रूम में ट्रेनिंग दी गई। 1992 में जनरल ड्रेकोव को ये पता चला कि अमेरिका की ओहायो स्टेट में शील्ड का एक बेस है, जिसमें हाइड्रा के साइंटिस्ट अपने विंटर सोल्जर प्रोग्राम की रिसर्च को आगे बढ़ा रहे हैं। ड्रेकोव ये जानता था कि हाइड्रा का विंटर सोल्जर प्रोग्राम कितना असरदार है, मतलब दिमाग को काबू करने के मामले में हाइड्रा का कोई जवाब नहीं है। इसलिए ड्रेकोव को हाइड्रा की वो ब्रेन कंट्रोलिंग वाली रिसर्च चाहिए थी, ताकि वो अपनी ब्लैक विडोज को पूरी तरह कंट्रोल में रख सके। इसीलिए उसने एलेक्सी शोस्टाकोव और मेलिना वोस्टाकोव को वहाँ भेजने का फैसला किया। एलेक्सी शोस्टाकोव रशिया का पहला सुपर सोल्जर था, जिसे जाना जाता था रेड गार्डियन के नाम से, और मेलिना वोस्टाकोव एक ब्लैक विडो थी जो कि रेड रूम की साइंटिस्ट भी थी। ड्रेकोव एलेक्सी और मेलिना को हस्बैंड वाइफ बनाकर ओहायो में भेजता है, और उनके इस नाटक को और बेहतर बनाने के लिए वो दो लड़कियों को उनकी बेटियां बनाकर उनके साथ में भेजता है। पहली लड़की थी नताशा रोमानोफ, जो कि उस वक्त 8 साल की थी। वो थोड़ी बहुत ट्रेंड थी और वो इस नाटक के बारे में जानती थी। दूसरी लड़की थी येलेना बेलोवा, जो कि 3 साल की थी, और उसे इस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। वो तो इस नकली परिवार को ही अपना असली परिवार समझ बैठी थी। फिर 1992 से लेकर 1995 तक वो चारों ओहायो में एक फैमिली बनकर रहे, और किसी को उन पर शक भी नहीं हुआ। उस दौरान एलेक्सी ने शील्ड के उस बेस में काम करना शुरू कर दिया था, और वो वहाँ के साइंटिस्ट पर नजर रख रहा था। मेलिना और एलेक्सी को अपना मिशन तो याद था, मगर उन्हें एक दूसरे से और नताशा और येलेना से बहुत प्यार हो गया था, और वो हमेशा के लिए वहीं रह जाना चाहते थे। लेकिन फिर 1995 में जब हाइड्रा की रिसर्च पूरी हो गई, तब एलेक्सी ने उनका डेटा कॉपी कर लिया और उसने शील्ड के उस बेस को आग लगा दी। एलेक्सी और मेलिना का मिशन अब पूरा हो गया था और उनके वहाँ से निकलने का वक्त आ गया था। फिर वो सब एक प्लेन में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, तो पुलिस और शील्ड के लोग उनका पीछा करते हैं, लेकिन वो उन सब से निपट के वहाँ से बच निकलते हैं और वो क्यूबा चले जाते हैं, जहाँ ड्रेकोव उनका इंतजार कर रहा था। और क्योंकि अब ये मिशन पूरा हो गया था, इसलिए नताशा को वापस रेड रूम में भेज दिया जाता है और येलेना को भी वहाँ पर भर्ती कर लिया जाता है। इसके कुछ साल बाद ड्रेकोव और एलेक्सी का किसी बात पे झगड़ा हो जाता है, इसलिए ड्रेकोव एलेक्सी को रशिया के एक जेल में उम्र कैद करवा देता है। फिर सन 2002 में नताशा की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और वो बन जाती है ब्लैक विडो। इसके बाद नताशा को KGB यानी रशिया की एक सिक्योरिटी एजेंसी में भेज दिया जाता है। वहाँ वो एक असैसिन यानी एक कातिल बन जाती है और वो कई लोगों को मारती है। फिर सन 2008 में नताशा शील्ड की नजरों में आ जाती है और उसकी हरकतों की वजह से निक फ्यूरी उसे मारने का फैसला करते हैं, और इस काम के लिए वो क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई को चुनते हैं। लेकिन जब हॉकाई नताशा को मारने गया, तब उसने देखा कि वो एक बहुत ही काबिल और साफ दिल की लड़की है, जो कि मजबूरी में वो काम कर रही है। इसीलिए क्लिंट ने उसे मारने की बजाय उसे शील्ड में भर्ती होने का मौका दिया। पर शील्ड में भर्ती होना भी इतना आसान नहीं था, इसके लिए नताशा को ड्रेकोव को मारने का काम सौंपा गया। उस टाइम पर ड्रेकोव का ऑफिस बुडापेस्ट शहर में था, और ड्रेकोव की एक बेटी भी थी एंटोनिया, जो कि अक्सर अपने पिता से मिलने बुडापेस्ट के उस ऑफिस में जाती थी, और ये बात नताशा को मालूम थी। इसीलिए उसने हॉकाय के साथ मिलकर ड्रेकोव के उस ऑफिस में बहुत सारे बॉम्ब लगा दिए। फिर जैसे ही एंटोनिया उस बिल्डिंग में पहुंची, तो नताशा को ये पता चल गया कि ड्रेकोव अभी ऑफिस में ही है, इसीलिए उसने बॉम्ब को ब्लास्ट कर दिया।
इससे नताशा को लगा कि ड्रेको और उसकी बेटी मर चुकी है और अब रेड रूम बंद हो जाएगा। लेकिन ड्रेको को ऑफिस काफी सेफ था, इसलिए वो बच गया। उस हादसे के बाद ड्रेको को ये समझ में आ गया था कि नताशा रोमानोव उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी है, क्योंकि वो अब शील्ड में भर्ती हो गई है। इसलिए ड्रेको ने उससे बदला लेने की बजाय उससे दूरी बना ली, जिससे कि नताशा को ये लगता रहे कि वो मर चुका है, ताकि उसके रेड रूम पर कोई आंच ना आए। उसके बाद ड्रेको ने रेड रूम को एक ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया कि कोई भी उसका पता ना लगा सके। उसने एक हाईटेक एरियल बेस यानी एक उड़ते हुए हवाई जहाज को नया रेड रूम बना दिया, जिसकी लोकेशन थी रशिया का स्काई। दूसरी तरफ मेलिना ने हाइड्रा की उस रिसर्च पर कुछ साल काम करने के बाद एक ऐसा केमिकल बना लिया था जिससे किसी के भी दिमाग पर काबू किया जा सकता था। नताशा के रेड रूम छोड़ने के बाद ड्रेकोव ने उस केमिकल से अपनी एकेडमी की सभी लड़कियों को पूरी तरह से अपने काबू में कर लिया और उसने सभी लड़कियों के अंदर एक ट्रैकर लगा दिया, ताकि वो हर किसी पर नजर रख पाए और उन्हें कमांड दे पाए। इसके बाद मेलिना सेंट पीटर्सबर्ग नाम के एक शहर में चली गई और वहां वो अपने माइंड कंट्रोलिंग फार्मूला को और बेहतर बनाने में लग गई। उधर येलेना भी एक ब्लैक विडो बन गई थी और वो ड्रेकोव के माइंड कंट्रोल की वजह से रेड रूम के मिशंस पूरे कर रही थी। दूसरी तरफ नताशा अपने अतीत को भूलकर एक एवेंजर बन गई थी और वो दुनिया को बचाने में लग गई थी। लेकिन जब 2016 में US गवर्नमेंट ने सोकोविया अकॉर्ड्स नाम का एक कानून बनाया, तो इससे एवेंजर्स की टीम बिल्कुल बिखर गई। नताशा ने पहले तो सोकोविया अकॉर्ड्स को मान लिया था, लेकिन बाद में उसने स्टीव और बकी की मदद करके वो कानून तोड़ दिया। इससे पुलिस उसके पीछे पड़ गई और नताशा को अमेरिका छोड़कर भागना पड़ा। फिर वो नॉर्वे चली गई। इसी दौरान रेड रूम में एक क्रांति शुरू हो गई। रेड रूम की किसी पुरानी ब्लैक विडो ने मेलिना के उस ब्रेन कंट्रोलिंग फार्मूला का तोड़ यानी एक एंटीडोट बना लिया था, जिसका नाम था रेड डस्ट, एक ऐसी गैस जिससे किसी को भी उस ब्रेन कंट्रोल से आजाद किया जा सकता था। उस गैस की वजह से कुछ ब्लैक विडोज ड्रेकोव के काबू से बाहर हो गई थी, जिनमें से एक लड़की थी ओक्साना, जो कि उस गैस से बाकी लड़कियों को भी आजाद करने की कोशिश कर रही थी। ड्रेको को जब इस बारे में पता चला, तो उसने उस रेड डस्ट को हासिल करने के लिए येलेना और कुछ ब्लैक विडोज को ओक्साना के पीछे भेजा। येलेना ओक्साना का पीछा करते हुए मोरक्को देश में पहुंच गई और वहां उसने उससे लड़ाई करके वो गैस छीन ली। लेकिन ओक्साना ने मरते मरते येलेना पे वो रेड डस्ट फायर कर दी, जिससे येलेना भी आजाद हो गई और उसने वो गैस लेकर सभी ब्लैक विडोज को आजाद करने का फैसला कर लिया। पर प्रॉब्लम ये थी कि वो गैस बहुत ही कम थी और उसे बनाने वाली ब्लैक विडो भी मर चुकी थी। दुनिया भर में जितनी भी ब्लैक विडोज मौजूद थी, उन्हें आजाद करने के लिए उतनी गैस काफी नहीं थी। इसलिए येलेना उस गैस को नताशा के पास भेजने का सोचती है। येलेना को ये मालूम था कि नताशा एक एवेंजर बन चुकी है और उसके सभी दोस्त साइंटिस्ट और काफी जीनियस है। इसलिए येलेना को लगा कि नताशा अपने दोस्तों की मदद से रेड डस्ट को समझ के उसे रिक्रिएट करवा लेंगी और एवेंजर्स उस गैस से सभी ब्लैक विडोज को आजाद कर देंगे। पर येलेना को ये नहीं मालूम था कि नताशा इस बात से अनजान है कि ड्रेको अभी जिंदा है और रेड रूम अभी भी मौजूद है। ऊपर से येलेना को ये भी नहीं पता था कि नताशा खुद अभी पुलिस से बच के भाग रही है। फिर येलेना रेड रूम वालों से छुपने के लिए नताशा के बुडापेस्ट वाले एक घर में चली जाती है और वो उस गैस को नताशा के एक दोस्त के जरिए उसके पास भेज देती है। उधर नताशा को जब वो पार्सल मिलता है, तो वो उस पर ध्यान नहीं देती और वो उसे कचरा समझ के अपनी कार के पीछे रख लेती है। पर उस गैस के बॉक्स पर एक ट्रैकर लगा हुआ था, जिसकी वजह से रेड रूम वाले उसे ट्रैक कर रहे थे। उस गैस को हासिल करने के लिए जनरल ड्रेको अपने खास सोल्जर टास्क मास्टर को ऑर्डर देता है। टास्क मास्टर एक ऐसा सोल्जर था जो कि किसी की भी फाइटिंग स्किल्स को कॉपी कर सकता था और उसके पास एक एडवांस सूट था जिसमें बहुत सारे हथियार थे। ड्रेको टास्क मास्टर को सिर्फ जरूरी मिशन के लिए ही इस्तेमाल करता था। उस गैस को ट्रैक करते हुए टास्क मास्टर नॉर्वे पहुंच जाता है और जब नताशा अपनी कार से किसी काम के लिए बाहर निकलती है, तब टास्क मास्टर उस पर हमला कर देता है। नताशा को लग रहा था कि वो उसका कोई दुश्मन है जो कि उसे मारना चाहता है। वो उससे लड़ाई करने की कोशिश करती है, पर वो हार जाती है। फिर नताशा को ये समझ में आता है कि टास्क मास्टर उस बॉक्स के पीछे पड़ा है, इसीलिए वो उस बॉक्स में से वो गैस निकाल लेती है और वो वहां से भाग जाती है। फिर जब नताशा उन गैस की बॉटल्स को देखती है, तो उसमें उसे येलेना और खुद की फोटो मिलती है, जिससे नताशा को ये पता चलता है कि वो बॉटल्स उसे येलेना ने भेजी है। और क्योंकि वो पार्सल बुडापेस्ट से आया था, इसलिए नताशा को ये लगता है कि येलेना उसे बुडापेस्ट में मिलने बुला रही है। इसलिए वो बुडापेस्ट पहुंच जाती है। वहां उसे येलेना से पता चलता है कि ड्रेको अभी भी जिंदा है और रेड रूम आज तक चालू है। फिर येलेना उसे रेड डस्ट गैस के बारे में बताती है। तभी कई सारी ब्लैक विडोज वहां पहुंच जाती है और वो उन दोनों पर हमला करने लगती है। वहां टास्क मास्टर भी आया हुआ था, जो कि नताशा और येलेना को मारने की कोशिश कर रहा था। फिर वो दोनों काफी मुश्किल से टास्क मास्टर से अपना पीछा छुड़ाते हैं और वो कुछ टाइम के लिए एक महफूज जगह पर रुक जाते हैं। वहां येलेना
नताशा को ये बताती है कि कैसे ड्रेकोव आज भी कई सारी लड़कियों को कंट्रोल कर रहा है और दुनिया में आतंक फैला रहा है। ये सब सुन के नताशा रेड रूम को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करती है, लेकिन ड्रेकोव और रेड रूम की लोकेशन कहाँ है ये किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि सभी ब्लैक विडोज को भी रेड रूम में बेहोश करके ले जाया जाता था। फिर नताशा और येलेना को रेड गार्डियन यानी एलेक्सी शोस्टाकोव की याद आती है, जो कि ड्रेकोव का खास आदमी था। इसीलिए उन्हें लगता है कि एलेक्सी को रेड रूम के बारे में पता होगा, पर एलेक्सी अभी जेल में कैद था, इसीलिए वो दोनों उसे जेल से निकालने के लिए रशिया जाते हैं। वहाँ वो दोनों जेल के गार्ड से लड़के बहुत मुश्किल से एलेक्सी को बाहर निकालते हैं। फिर जब नताशा उससे रेड रूम के बारे में पूछती है तो एलेक्सी उसे बताता है कि उसका ड्रेकोव के साथ झगड़ा हो गया था, इसीलिए ड्रेकोव ने उसे उम्र कैद करवा दी। इसी वजह से उसे रेड रूम के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर एलेक्सी उन्हें बताता है कि मेलिना आज भी ड्रेकोव के लिए काम करती है, इसीलिए वो रेड रूम के बारे में सब कुछ जानती है। एलेक्सी को ये मालूम था कि मेलिना का घर कहाँ है, इसीलिए वो तीनों सेंट पीटर्सबर्ग में उसके घर जाते हैं। वहाँ मेलिना अपने माइंड कंट्रोलिंग फार्मूला को इम्प्रूव करने में लगी हुई थी। जब नताशा, येलेना और एलेक्सी वहाँ पहुँचते हैं तो मेलिना बड़े अच्छे से उनका स्वागत करती है, लेकिन वो चुपके से रेड रूम वालों को उनकी खबर कर देती है। फिर मेलिना उन सबको बातों में उलझा के रखती है ताकि वो सब कहीं भाग ना पाए, लेकिन बातों बातों में उनके पुराने परिवार के किस्से बाहर आ जाते हैं और सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। हालांकि सबको ये मालूम था कि उनका वो परिवार नकली था, लेकिन उन सबको सच में एक दूसरे से प्यार हो गया था। और जब नताशा मेलिना को ये बोलती है कि वो उसकी दी हुई सीख की वजह से आज तक जिंदा है, तो इस बात से मेलिना का भी दिल पिघल जाता है और वो नताशा का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो नताशा को रेड रूम के बारे में सब कुछ बता देती है और वो दोनों रेड रूम को बर्बाद करने का एक प्लान बनाते हैं। मेलिना और नताशा फेस मास्क टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक दूसरे की जगह ले लेते हैं ताकि वो रेड रूम पहुंचकर ड्रेकोव को धोखा दे सके। तभी टास्क मास्टर और रेड रूम के सोल्जर्स वहां आ जाते हैं। फिर नताशा मेलिना के रूप में टास्क मास्टर का साथ देती है और वो बाकी सबको गिरफ्तार कर लेती है। फिर वो सभी उस उड़ते हुए रेड रूम में जाते हैं। तो प्लान ये था कि नताशा मेलिना के रूप में ड्रेकोव को बातों में उलझा के रखेंगी और असली मेलिना रेड रूम को जमीन पे लैंड करवा देंगी ताकि पुलिस वहां पहुंच के ड्रेकोव को गिरफ्तार कर ले। लेकिन ड्रेकोव नताशा को पहचान लेता है और वो रेड रूम की लैंडिंग को रोक देता है। फिर ड्रेकोव नताशा को बताता है कि टास्क मास्टर असल में उसकी बेटी एंटोनिया है, जो कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में मरी नहीं थी, बल्कि वो बहुत घायल हो गई थी और उसका चेहरा काफी बिगड़ गया था, जिससे ड्रेकोव को बहुत दुख हुआ था। और अपने इस गम को भुलाने के लिए उसने अपनी बेटी को एक हथियार बनाने का सोच लिया। उसने एंटोनिया की बॉडी पर एक कंप्यूटर चिप लगवा दी, जिसकी वजह से उसके अंदर किसी की भी नकल करने की खूबी आ गई। फिर ड्रेकोव ने एंटोनिया को रेड रूम में ट्रेनिंग दिलवाई और उसे एक परफेक्ट सोल्जर बना दिया, और उसने एंटोनिया को भी केमिकली ब्रेन वॉश करके अपना गुलाम बना लिया। नताशा को पहले ही इस बात का बहुत अफसोस था कि उसने ड्रेकोव के चक्कर में एंटोनिया के साथ गलत किया था, और अब एंटोनिया का ऐसा हाल देखकर नताशा को और भी तकलीफ हुई। फिर ड्रेकोव टास्क मास्टर को नताशा के साथियों को मारने भेजता है और तब रेड गार्डियन और टास्क मास्टर की लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ येलेना उस एंटीडोट से बाकी ब्लैक विडोज को आजाद करने की कोशिश कर रही थी। उधर टास्क मास्टर के हटते ही नताशा ड्रेकोव को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि ड्रेकोव ने हर ब्लैक विडो के अंदर एक फेरोमोनल लॉक लगा के रखा था। मतलब उसने अपनी केमिकल ब्रेन वॉशिंग के भी पहले से हर लड़की के अंदर एक ऐसी प्रोग्रामिंग कर दी थी कि कोई भी उसे मार ना पाए। जब तक ड्रेकोव की स्मेल उनकी नाक में जाती रहेंगी, तब तक कोई भी उसे मार नहीं पाएगा। हालांकि ये बात मेलिना ने नताशा को बता दी थी और नताशा के पास इसका इलाज भी था, लेकिन वो ड्रेकोव को मारने से पहले उससे सारे राज उगलवाना चाहती थी, इसीलिए वो ड्रेकोव को बहुत गुस्सा दिलाती है, जिसकी वजह से वो नताशा के सामने होशियारी मारने के लिए दुनिया भर में फैली अपनी लड़कियों के बारे में उसे बता देता है। और तब नताशा उसके कंप्यूटर का पासवर्ड देख लेती है और ये जानकारी मिलते ही वो अपनी नाक की नस तोड़ देती है, जिससे वो फेरोमोनल लॉक हट जाता है और नताशा ड्रेकोव पे हमला कर पाती है। फिर वो उसे जान से मारने ही वाली थी, लेकिन तभी रेड रूम की सभी ब्लैक विडोज वहां आ जाती है और वो ड्रेकोव को बचा लेती है। फिर ड्रेकोव वहां से निकल जाता है और वो सभी लड़कियां नताशा को मारने लगती है। दूसरी तरफ मेलिना रेड रूम के एक इंजन को तबाह कर देती है, क्योंकि ड्रेकोव ने वहां के सिस्टम्स को लॉक कर दिया था, इसलिए अब रेड रूम को जमीन पर उतारने के लिए मेलिना क्रैश लैंडिंग का इस्तेमाल करती है। इससे पूरा रेड रूम तबाह होने लगता है। उधर सभी ब्लैक विडोज नताशा को मार रही थी, तभी येलेना उन गैस की बॉटल्स में एक छोटा सा बॉम्ब लगा के वहां फेंक देती है, जिसकी वजह से सभी लड़कियां आजाद हो जाती है और वो वहां से निकल जाती है। उस गैस की दो बॉटल अभी भी बची हुई थी, जिसे नताशा अपने पास रख लेती है। फिर वो ड्रेकोव के कंप्यूटर की सभी फाइल्स एक पेन ड्राइव में कॉपी कर लेती है। अब पूरा रेड रूम आसमान से गिरने लगा था और सभी लोग वहां से निकल रहे थे।
ड्रेकोव भी अपने सोल्जर्स के साथ वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन येलेना उसका प्लेन तबाह कर देती है जिससे ड्रेकोव मारा जाता है। एलेक्सी और मेलिना एक प्लेन लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और नताशा एक पैराशूट से येलेना को गिरने से बचा लेती है। पर तभी टास्क मास्टर यानी एंटोनिया वहाँ आ जाती है जो कि नताशा को मारने की कोशिश करती है। फिर नताशा उससे लड़ते हुए किसी तरह जमीन पर पहुँचती है। इसके बाद वो टास्क मास्टर का हेलमेट निकाल के उसके ऊपर वो गैस छोड़ती है जिससे एंटोनिया को होश आ जाता है और वो भी आजाद हो जाती है। और तब नताशा उससे अपनी गलती की माफी मांगती है। फिर एलेक्सी, मेलिना, नताशा और येलेना एक हो जाते हैं और वो सब अपने उस परिवार को असली मान के एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर नताशा वो रेड डस्ट की आखिरी बोतल और वो पेन ड्राइव जिसमें रेड रूम का डेटा था वो येलेना को दे देती है ताकि मेलिना उस गैस को रिक्रिएट कर सके और येलेना दुनिया भर में फैली ब्लैक विडोज को ढूंढ के उन्हें आजाद कर सके। तभी पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां वहां आने लगती है उन सबको गिरफ्तार करने के लिए। लेकिन उसी वक्त रेड रूम की वो ब्लैक विडोज जिन्हें थोड़ी देर पहले आजाद किया गया था वो एक प्लेन से वहां आ जाती है ताकि वो नताशा और बाकी सबको वहां से निकाल सके। फिर एलेक्सी, मेलिना और येलेना उनके साथ चले जाती है और वो एंटोनिया को भी अपने साथ ले जाते हैं। पर नताशा किसी और मिशन पर जाने का फैसला करती है। इसके 2 हफ्ते बाद नताशा अपने हेयर का कलर चेंज कर लेती है ताकि वो आसानी से पुलिस की नजरों में ना आ सके। फिर वो अपने दोस्त से एक क्वीन जेट लेकर कैप्टन अमेरिका के पास जाती है ताकि वो उन एवेंजर्स को जेल से छुड़वा सके जिन्होंने सोकोविया कानून तोड़ा था। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें 2023 यानी एवेंजर्स एंडगेम के बाद का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ येलेना उस कब्र पे आती है जो कि नताशा की याद में बनाई गई थी। येलेना को ये नहीं मालूम था कि नताशा की मौत कैसे हुई है और शायद वो इसे ही नताशा की असली कब्र समझ रही है। पर हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि नताशा की मौत वार्मिन प्लेनेट पर हुई है और उसकी डेड बॉडी वहीं पर है। फिर यहाँ येलेना से वेलेंटीना नाम की एक औरत मिलने आती है। वेलेंटीना एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करती है और वो पावरफुल लोगों को हायर करके उनसे काम करवाती है। येलेना भी कुछ टाइम से वेलेंटीना के लिए काम कर रही थी और अब वेलेंटीना येलेना से ये झूठ बोलती है कि नताशा की मौत के लिए क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई जिम्मेदार है और वो येलेना को हॉकाई को मारने का काम सौंपती है। तो दोस्तों ये थी ब्लैक विडो मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके।